अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे संभाल के, खाने को नहीं आए ना? लाल बाल, सफेद बाल, नीले बाल, ब्लॉन्ड बाल, बुड्ढी के बाल, क्या खाओगे? जो मैं खाता हूँ वो मैं खुद बनाता हूँ, और जो मैं नहीं बनाता वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, है नहीं? मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे मम्मी टेंशन मत लो, मैंने बस काउंटर में से 10,000 रुपए निकाल के उड़ाए हैं। क्या तूने मेरे 10,000 उड़ा डाले? और टेंशन हो गई, तूने भी 10,000 निकाले हैं क्या? इतनी टेंशन हो रही है मम्मी को? अरे नहीं नहीं, मेरे को तो उस बाप बेटे के बारे में सोच कर टेंशन हो रही है। वैसे मम्मी मुझे पता था आप अंदर से ना इतने बुरे भी इंसान नहीं हो, आपको पता है ना आप अशोक अंकल के साथ सही नहीं कर रहे हो। हट, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अशोक तो गया जेल में, अब मनोज को कैसे भेजा जाए। एक बार वो भी जेल चला जाए ना तो ये पूरा कैसे मेरा हो जाएगा। वकील हूँ, रोज नए नए क्रिमिनल से मिलता हूँ, लेकिन तेरे जैसे नहीं देखी है जी। अरे वकील साहब आप क्या जानो इनको, वैसे मम्मी सही नहीं कर रहे हो आप, ये तो अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ दे ताकि राखी खरीदने के पैसे बच जाएं। मम्मी कुछ भी करने से पहले ना एक बार अंदर जाके देख लेना और सोच लेना कि आप सही नहीं कर रहे हो, और प्यार करने वाले बाप बेटे को अलग कर रहे हो आप। अपनी बेटियों के फ्यूचर के लिए दुकान बचा रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि दोनों बाप बेटे एक हो जाए, भले वो जेल में साथ रहे। चिंता ता चिंता चिंता मत करो, घर को तोड़ना है तो पूरे घर को मत हिलाओ, बस एक खंभे को तोड़ दो, और इस घर के लिए वो खंभा था अशोक जिसे हमने तोड़ दिया है। अरे मनोज, मनोज तो छत है, अपने आप गिर जाएगी, अरे इससे कैफे कहाँ संभल पाएगा है जी। अरे बाप रे, त्रिपाठी कहानी सुनेगा? यहाँ आजा, आजा। एक चौक में औलाद रहता था, लॉटरी की तरह होती है, किसी किसी को अच्छी निकलती है। अम्मी को देख, मैंने अपने औलाद को बस एक थप्पड़ मारा था, थप्पड़ बस। पुलिस स्टेशन में डंडे पड़वा रहा है मुझे, पता है क्यों? अरे चुप! मैंने बोला उठा तेरे से कोच, साली अब बोला ना तो पुलिस साली अंदर मार रही है, मीना बाहर मार देगा क्या? कोई जगह नहीं छोड़ा है कुटिया, 100 कुत्ते काटे तुझे। कहानी सुनेगा? अच्छा ये वो तो तुझे बाहर निकाल के मारता। मेरे पास इतने नंबर हैं कि मैं तुझे अंदर भी मरवा सकता हूँ। जा। हवलदार बाबू, जरा हाथ देना। हाँ। ओह, तभी कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। रे? नहीं छोड़ूंगा, एक ही सर पे सुनूंगा। कहानी सुनोगे? औलाद है ना औलाद, चाइना की माल की तरह होता है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक। अब मेरे को देखो, ये डंडा दिख रहा है? हाँ। चुपो जब, वरना इसको सही जगह पर पहुंचा दूंगा। आए है, 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गरम गरम खाना आ गया, चल बेटा चल के खाते हैं। हे भगवान, काश मेरी औलाद भी ऐसी होती। एक मेरी औलाद है, कहने के लिए तो शेफ है, लोगों को खाना बनाकर खिलाता है, लेकिन मेरे लिए खाना नहीं भेजा। सरस्वती, क्या गलती हो गई?
क्या गलती हो गई बता? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे प्यार का नतीजा इतनी नफरत लेकर पैदा होगा। भैया, जो उस टेबल पे 2500 का खाना खा रहे थे वो कस्टमर कहाँ गए? पता नहीं। और जो इस टेबल पे लार्ज वाला पिज्जा खा रहे थे उनसे बिल लिया? पता नहीं। अरे आपके भेजे में भूसा भरा हुआ है क्या? पता नहीं। भैया, मालिक आपके सगे पापा है ना? पता नहीं है? अरे भैया, होश में आओ, आपका ध्यान किधर है? ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लोग फ्री में पिज्जा खा रहे हैं, फ्री में डोनेट खा रहे हैं। अरे खाना तो छोड़ो, बाहर जो हमने टेबल रखी है ना, एक कस्टमर उसमें से टेबल ले गया। आप अगर ऐसे ही काम करोगे तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट, निकल जाओ मेरे कैफे से। भैया बिल कितना हुआ? अबे यार, यहाँ पे कस्टमर नुकसान पर नुकसान कर रहे हैं, मैं उसकी बात करूँ या तुझसे बिल लूँ? चल निकल यहाँ से। यार छुट्टे, यार पापा को बाहर निकलवा के आते हैं यार, हमें निकलवाना है यार पापा को बाहर। अरे हमें नहीं, आपको। जिस उम्र में आपको उन्हें लाठी पकड़नी चाहिए उस उम्र में आप उन्हें लाठी पड़वा रहे हो। भैया, वो रमा और वाधवा आपको भड़का रही है ताकि वो एक कैफे पे कब्जा कर सके। भैया आपको कुछ करना पड़ेगा। सही कह रहा छुट्टन, ये रमा आंटी ने ना मेरे दिमाग में जहर खोल दिया पापा के खिलाफ। तो ये पापा ही निकाल सकते उसे चूस के। पापा के थप्पड़ की याद आ रही है यार मुझे भी। छुट्टन, मैं पापा को यहाँ करा के आ रहा हूँ, ठीक है? तू कैफे का ध्यान रखना बेटे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। 501, 502, 503। वाह इंस्पेक्टर बाबू, 502, 503 पुशअप भी मार दिया आपने। ऐसा है कि हमारे अंदर पावर बहुत ज्यादा हो रखी है। हमने शुरू भी तो 500 से किया था ना। पावर इतनी ज्यादा क्या करें, नारियल तोड़ के दिखाएं आपको। क्या टूटा? जुनूनी, नारियल के अंदर छेद, गैप, होल, कुछ तो करवा के लाओ यार, हद है यार। थक गए होंगे आप। हाँ यार, लाइए हाथ दबा देता हूँ। अरे अबे तो पूरी, अरे यार ये पावर है? ये तो पावर ही नहीं है, पावर मेरे में है इंस्पेक्टर बाबू। वो कैसे? कैसे? अरे कैसे कैसे डंडे मारे आपने मेरे को, कितने डंडे मारे मुझे आपने, यहाँ तक के बीच बीच में तो डंडों की भी चीख निकल गई। कितने देर से मैं सलाखों के पीछे हूँ ना इंस्पेक्टर बाबू, बस अब देखना थोड़ी देर में फोन की घंटी बजेगी और आपको मजबूरन मेरे को जेल से रिहा करना पड़ेगा। 5, 4, 3, 2, 1 और ये हो गई 0। देखो भाई, ये सारी चीजें फिल्में, टीवी, जहां होते हैं जहां ना हो रहा ऐसा कुछ। हेलो, इंस्पेक्टर कुटिया कुमार स्पीकिंग। जी सर। हाँ सर, जी सर रखता हूँ। हाँ रखता हूँ। ऐसा है अशोक इंदौरी जी, कि बड़े भारी दिल से आपको खुशी की बात बता दूं कि आपको इस जेल से दिया बेल जमाना, बाइक जब बरी किया जाता है तो बाहर आ जाइए। पर ये कैसे, कब, किसने, क्यों, ये सब हुआ कैसे, ये सब किसने, कैसे, क्यों, मतलब किसने किया? देखा, मैं ना कहता था मेरा बेटा भले ही लाख बुरे काम करता है लेकिन अपने बाप को जेल से जरूर रिहा कराएगा, ये सब मेरे मनोज ने किया है। ऐसा है अशोक जी, गलत फहमी मत पालिए, आपको यहाँ से रिहा आपके बेटे ने नहीं रिहा करवाया है, आपको यहाँ से रिहा करवाए हैं यहाँ के MLA साहब। मक्खी? मक्खी। देखिए फव्वारा चौक
दंगल प्ले ऐप पर।